जगह थाना क्षेत्र के गौरी पुल के पास 11 सितंबर को चाकुओं से की गई सोनू निषाद पुत्र परमहंस निषाद की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने दो अभियुक्तों को आला कत्ल, चाकू, एक कट्टा, दो कारतूस, दो खोखा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान गगहा थाना क्षेत्र के मनौली निवासी मुन्ना यादव पुत्र हरीश चंद्र यादव तथा हरेंद्र पुत्र झुंगरू के रूप में हुई है। कलेक्ट्रेट स्थित पुलिस ऑफिस में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि मृतक सोनू निषाद और उसके दोस्तों मुन्ना यादव और हरेंद्र में कुछ रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया था, जिसको लेकर इन लोगों ने उसकी पिकअप गाड़ी को भूसा लादने के लिए बुलाया और रास्ते में शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी। एसएसपी ने बताया कि इस घटना में नामजद किए गए अभियुक्तों का जब पड़ताल किया गया तो मामला दूसरा निकला और दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया, 25,000 रुपए उधार दिए थे, 10% भी कर दिए थे जो मारने वाला है, लेकिन जो मृतक है उसने भी पैसा 25,000 रुपए कहीं और से उसको दिलवाया था, कहीं और से दिलवाया था, तो उसने बातों बातों में क्या किया कि जिससे ओरिजिनल से ओरिजिनल वाले आदमी से पैसा लिया उसकी से फोन पे बात करा दी और तुमको दे दिया 10% पे, तो ये बात बहुत बुरी लगी। भाई मेरे दोस्त ने मतलब उससे तो 5% ले लिया और मुझको दे दिया 10% ब्याज पे पैसा और उससे ये आला कत्ल जो चाकू है ये बरामद हुआ है, इनके साथ जो है आर्म्स भी रिकवर हुए हैं और दो लोग जो आगे पढ़ाई करने वाले हैं उन लोगों के भी नाम प्रकाश में आ गए हैं, उनको भी पढ़ा किया है। मेन जो दोनों मर्डर किया है 11 सितंबर को जगह थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली थी जिसके ऊपर किसी शार्प वेपन से धारदार हथियार से वार किया गया था जिससे मृत्यु हो गई थी। शुरू में डेड बॉडी अज्ञात थी, बाद में इस व्यक्ति की शिनाख्त हुई थी और इसका नाम सोनू निषाद निकल के आया था। इस संदर्भ में जो मृतक है उसकी पत्नी के द्वारा एक अभियोग नामजद कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया था। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में नावरण में ये चीज़ें निकल के आई कि ये जो मृतक है इसके ऊपर 2016 में गगहा के अंदर मुकदमा लिखा गया था, उस घटना के अंदर ये जेल भी जाके आए थे और जो मृतक है उसकी पत्नी के द्वारा जो तहरीर दी गई उसके अंदर उन्हीं लोगों को नेम्ड किया गया था क्योंकि उन्हीं के ऊपर शक था, उनसे रंजिश थी कि इस तरह की घटना उनके द्वारा कारित की जा सकती है। घटना का अनावरण करते हुए इसके अंदर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मुन्ना यादव और हरेंद्र। मुन्ना यादव और हरेंद्र की गिरफ्तारी में ये चीज़ निकल के आई कि मुन्ना यादव और हरेंद्र इससे पूर्व से परिचित थे और मुन्ना यादव ने सोनू निषाद से कुछ पैसे उधार लिए थे जिसके अंदर सोनू निषाद लगातार उनसे पैसे मांग रहा था, आपस में परिचित थे। और जब ये चीज़ इनको जानकारी हुई कि जब ये पैसा के तकादा करने लगा मृतक, तो इन लोगों को इस चीज़ की जानकारी हुई कि इन्होंने जो है मृतक ने 5% ब्याज पे पैसा लिया है और हमसे 10% ब्याज की वसूली कर रहा है और इस चीज़ को लेके इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। घटना की रात में इसको साथ में सभी लोगों ने शराब पी। इसके साथी को इसने ये भी बताया कि इसके पास जो एक छोटी गाड़ी है उसको हम लोग बेच देंगे तो उसका भी जो पैसा आएगा हम आपस में शेयर करेंगे। घटना की रात में इन्होंने इसको चाकू से मारा और उसके बाद उसकी जो गाड़ी थी वो लेके चले गए और इन जो नेम्ड अक्यूज थे वो गलत हुए और इन लोगों के द्वारा जो है घटना की गई, इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया है, आला कत्ल इसके अंदर रिकवर किया गया। जो मृतक की गाड़ी है वो कहाँ गई उसकी भी हम लोग को जानकारी हो गई है, उसको भी शीघ्र रिकवर करा जाए। पूरा मामला लेन देन का वो गलत हुए, मैंने बताया ना जो नामजद अभियुक्त थे उनका कहीं किसी तरह का रोल हत्या के अंदर नहीं आया किसी भी प्रकार का। ये दो लोग जो कि FIR में नेम्ड नहीं थे, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि इनके द्वारा ये हत्या की गई, आला कत्ल रिकवर हुआ और इनके द्वारा अपना कन्फेशन भी किया गया। ये आसपास के ही रहने वाले हैं सब, ये जो वहाँ पर छोटी गाड़ी, ट्रॉला, मैजिक इस तरह की गाड़ी चलाते हैं और बीच में जब अभियुक्त पक्ष को पैसे की आवश्यकता हुई थी तो क्योंकि ये परिचित थे तो वो पैसा मृतक द्वारा दिया गया और जैसा मैंने बताया कि वो लगातार पैसे का तकादा कर रहा था, कुछ पैसा इसके द्वारा रिटर्न किया गया था लेकिन पूरा पैसा नहीं रिटर्न किया गया था और जब इस चीज़ को लेके दोनों में तनातनी हुई और इस तरीके से इन्होंने शराब पिला के उस दिन दो लोगों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया, नहीं अभी तक इस तरह की जानकारी नहीं आई, उसको भी शीघ्र हम लोग के द्वारा जैसा मैंने बताया उन लोग के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी।